हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम मिक्स क्वेरीज लेके आए हैं। हमारे पास टेलीग्राम पे काफ़ी सारे क्वेरीज आई थी, तो उसमें से कुछ एक उठा के हमने आज यहाँ पर एक वीडियो बनाई है। होपफुली आपको बेसिक कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे और इससे रिलेटेड आप लोग इजिली क्वेश्चन कर सकेंगे। सबसे पहला था पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग हमारी होती क्या है? दैट इज़ फाइनल पीस ऑफ पेपर रिप्लेस टू प्लेस ऑन द फैब्रिक। मींस कि आपने अपना जो पेपर पैटर्न बनाया है, ये देखिए जैसे फोटो में आपको दिख रहा है, इसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस गिवन है और पूरा का पूरा पैटर्न बता रखा है। आपको डायरेक्ट इसी पैटर्न को उठा के पेपर के ऊपर अपने फैब्रिक के ऊपर रख देना है, मार्किंग्स लगानी है एंड कट कर देना है। तो इस पैटर्न के अंदर ईच पैटर्न हैज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीडेड। वन कैन ऐड सीम एंड हेम अलाउंस, बट दिस मस्ट बी क्लियरली नोटेड ऑन द पैटर्न। सो वट डज इट मीन्स दैट वी नीड टू मैंशन सीम अलाउंसेज एंड हेम अलाउंसेज। सो आपके सीम अलाउंस और हेम अलाउंस आपको दोनों मैंशन करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि नीचे से एक कपड़ा एक्स्ट्रा ताकि हम लंबा कर सकें और साइड से भी ताकि हम अगर चौड़ा कर सकें उसको। सो होपफुली हम दोनों लैंग्वेजेस में इसको समझाने की आपको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज़ आर ड्राफ्टिंग। सो क्वेरी इज़ अबाउट ड्राफ्टिंग एज वेल एज ब्लॉक एज वेल एज स्लोपर। सो ड्राफ्टिंग के अदर नाम क्या होते हैं? बेसिक पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न, स्लोपर और मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न। इट डज नॉट कंटेन सीम अलाउंस एंड हेम अलाउंस। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न मेकिंग एंड ड्राफ्टिंग इज पैटर्न मेकिंग कंटेन सीम अलाउंस एंड हेम अलाउंस। ऑन द अदर हैंड ड्राफ्टिंग डू नॉट कंटेन एनी सीम अलाउंस और हेम अलाउंस। सो यहाँ पर आपका क्या मतलब है कि ड्राफ्टिंग के बाकी नाम अगर मैं बात करूँ तो बेसिक पैटर्न भी कहते हैं, ब्लॉक पैटर्न भी कहते हैं और स्लोपर भी इसी को कहते हैं, और इसमें कोई भी सीम अलाउंस और हेम अलाउंस नहीं होते जैसा कि यहाँ पर आपने पैटर्न मेकिंग के अंदर देखे थे। इसके बाद अगला आता है हमारा वेलेंस थ्योरी। सो ये कौन सी थ्योरी है? ये हमारी जॉर्ज वेलेंस ने दी थी। इसके अंदर उन्होंने 6 एडल्ट लाइफ के टास्क बताए थे जिसको हर एक पर्सन मैच्योरिटी से एज एन एडल्ट परफॉर्म करता है, अकम्प्लिश करता है। सबसे पहला टास्क है डेवलपिंग एन आइडेंटिटी। सबसे पहला क्या होता है कि अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करना। मतलब वेलेंस एक्सप्लेन दैट एन एडोलेसेंस मस्ट एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी दैट अलाउज अ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। दिस आइडेंटिटी इज मेड अप ऑफ वंस वैल्यू पैशन एंड बिलीफ। जैसे कि एक एडल्ट होता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करना पड़ता है ताकि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होके एक अलग फैमिली मेंटेन कर सके। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके एडोलेसेंस के बाद जैसे ही आप एडल्टहुड में आते हैं, पहले आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं जिसको आप अपने वैल्यूज पैशन और बिलीफ के साथ एकम्प्लिश करते हैं। उसके बाद वैलेंस ने बोला कि अब हम डेवलप करेंगे इंटीमेसी को। इंटीमेसी का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी मैरिज हो जाती है तो जो ऑपोजिट सेक्स होता है उसके साथ रिलेशन मेंटेन होते हैं। सो दिस अलाउ अ पर्सन टू हैव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन। दिस टास्क इन्वॉल्व एक्सपेंडिंग वन सेंस ऑफ सेल्फ टू include another person, means we make a intimate relationship with the other partner and we start, you can say that we can start our own family. एंड ऑल्सो यहाँ पर हम एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर आ जाते हैं एज कंपेरेटिव टू आर आइडेंटिटी डेवलपमेंट स्टेज। नेक्स्ट इज करियर कंसोलिडेशन। इन दिस टास्क द पर्सन फाइंड अ करियर दैट इज वैल्यूएबल टू सोसाइटी एंड टू हिम और हर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू वेलेंट अ जॉब टर्न्स इन टू अ करियर वंस वन हैज कंटेंटमेंट कंपेशनेट कंपिटेंस एंड कमिटमेंट्स। ही नोटेड दैट सच अ करियर could be that of a spouse or stay at home parent as well. So अब यहाँ पर career consolidation, अब आप बोलोगे कि adolescence के बाद adult में आते हैं तो हमने तो career opt कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। करियर कंसोलिडेशन तब आती है जब आफ्टर द इंटीमेसी स्टेज मैरिज के बाद आती है। आप करियर तो ऑप्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, लेकिन जब आपका करियर फुलफिल हो जाए कि आपको पता चल गया है कि आपको यही काम करना है या इसी लाइन में, अब आप यू आर नॉट ऑन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज बिकॉज यू डेवलप योर ऑन फैमिली। साथ के साथ यहाँ पर करियर का मतलब ये भी है कि अगर हस्बैंड वाइफ है और वाइफ नीड्स टू यू नो स्टे एट होम, अगर वो घर पे रहना चाहती है तो वो भी उसके लिए एक करियर ऑप्शन है। सो दिस इज आर करियर कंसोलिडेशन। नेक्स्ट इज जनरल एट्रेक्टिविटी। दिस इन्वॉल्व द अनसेल्फिश विल एंड कैपेसिटी टू गिव। अब जनरलिटी का मतलब क्या होता है कि अब हस्बैंड और वाइफ या हमारे स्पॉर्ट्स या आपस में कपल्स, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अब उनके अंदर सेल्फिशनेस की भाव नहीं रहती, वो देना ही सब समझते हैं। सो जनरलिटी मीन्स
Being in the relationship in which one give up much of the control. For example, serving as a consultant or mentor to others would help establish journal activity. That means we need to serve others. हमें दूसरों को serve करना पड़े. That is our journal activity. Next, becoming keeper of the meaning. This task involves passion of the traditions of the past to the next generation. Now, हमारा सबसे पहले क्या हो गया? हमने अगर अपनी stages की बात करते हैं, तो हमने अपनी stages के अंदर start किया था identity से. Identity भी बना ली. फिर intimate भी हो गए. उसके बाद career भी हमने find out कर लिया. Journal भी हो गए हम. अब क्या है कि अब हमने जो हमारे अपने ट्रेडिशंस थे, हमारे कस्टम्स है, हमारे रिलीजन है, अब नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, तो हमने वो उनको पास ऑन करने हैं अपने जितने भी हमारे टास्क थे, जितनी भी हमारी चीजें थी. देन लास्ट इज आर अचीविंग इंटीग्रिटी. दिस टास्क इन्वॉल्व अचीविंग अ सेंस ऑफ पीस एंड यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू वन्स लाइफ एंड टू द वर्ल्ड इटसेल्फ. नाउ इट्स कम्स टू दिस इट्स एंड दैट अब इंटीग्रिटी क्या आ रहा है कि हमने अब पीसफुल लाइफ, यूनिटी वाली लाइफ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाली लाइफ और इस वर्ल्ड में इजीली गोइंग लाइफ चाहिए. तो मतलब जितना भी अपने ऊपर हमने स्टार्टिंग के स्टेज में भार लिया था, वो अब हमने भार आगे ट्रांसफर कर दिया. भार इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, सेंस ऑफ रिलेटिविटी, सेंस ऑफ यूनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दी गई है और अब अपने आप को पीस और यूनिटी के अंदर ले आए हैं. सो ये हमारी 6 स्टेजेस थी एडल्ट लाइफ टास्क की जो वैलेंट के द्वारा दी गई थी. इसके बाद मैं बात करती हूँ, हमने एक क्वेश्चन आया था दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा थ्योरी एंड नैनो टेक्नोलॉजी. सो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. सो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सिंपल फिजिकल प्रिंसिपल. कौन सा सिंपल प्रिंसिपल है? दैट मैटर चेंज इट्स स्टेट व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू इट. कोई भी मैटर चेंज कर देता है अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टेट को, जब किसी भी तरह की एनर्जी उसको दी जाती है. जैसे कि सॉलिड बिकम लिक्विड एंड लिक्विड बिकम गैसियस. अगर आप सॉलिड को एक अलग स्टेट ऑफ एनर्जी में लेके जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को आप गैसियस बना सकते हैं. क्लियर? फॉर एग्जांपल आइस है, आइस को आपने गर्म किया तो वो पानी बन जाएगा और उसको ज़्यादा बॉयल किया तो वो गैसियस बन जाएगा. सो दैट इज मैटर चेंज कैसे हो रहा है, उसकी एनर्जी की सप्लाई की वजह से. इट इवन मोर एनर्जी सप्लाई टू द गैस इट इज. अगर हमने और एनर्जी अपनी गैसियस स्टेज को दे दी, देन इट आयोनाइज एंड गोज इन टू द अर्थ रिच प्लाज्मा स्टेट, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. सो व्हाट्स द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? दैट इज प्लाज्मा स्टेट. ये क्या क्या इम्प्रूव करता है? ये एडहेसिवनेस, वेट एबिलिटी, प्रिंटेबिलिटी, डाई एबिलिटी और इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता है एंड रिड्यूस आर मटेरियल श्रिंकेज. श्रिंकेज को टेक्सटाइल्स में कम करता है. ऑन द अदर हैंड उसकी जो बाकी कैपेसिटीज़ हैं, बाकी एबिलिटीज़ हैं, उनको एनहांस करता है. नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूंगी तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एक स्टडी है हमारी जिसमें हम कंट्रोल करते हैं मैटर को उसके मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर. 1 to 100 नैनोमीटर्स इसकी डायमेंशंस रहती है और ये टेक्निकल वर्क किस पे करते हैं? हमारे नैनो स्केल के ऊपर. हर एक नैनो स्केल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो 1 million टाइम स्मॉलर होता है ग्रैंड ऑफ सैंड. मतलब कि आपने रेत का दाना देखा होगा, रेत के दाने से 1 million टाइम छोटा हमारा नैनो स्केल होता है. देन सो वी नो कि हम उसको नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते. और वो क्या करता है? ये भी एनहांस करता है हमारे कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स को, कुछ एक फील को, कुछ एक कम्फर्ट को. और साथ के साथ अगर हम टेक्सटाइल्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो टेक्सटाइल्स में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव करते हैं सारी की सारी फैसिलिटीज़ को. एक प्लाज्मा लेयर हम उस पर चढ़ा देते हैं. ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होगी. सेल्फ क्लीनिंग मींस गंदा नहीं होता, आपने पानी डाला तो वो एकदम निकल जाएगा, डर्ट उसके ऊपर स्टे नहीं करती. सेंसिंग सेंसेशन वाली चीज़ें होती है. एक्यूटिंग कम्युनिकेशन बिकॉज फाइबर ऑप्टिकल हमारे नैनो फाइबर जो वायर्स होती है वो यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन में. स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ की जाती है जैसे ओलंपिक्स के अंदर. स्विमिंग के कॉस्ट्यूम्स हमारे नैनो टेक्नोलॉजी से बने थे. ये क्वेश्चन भी आज से आ सकता है. तो उसके अंदर क्या होता है, ताकि स्विमर्स ज्यादा मूव कर सके, ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके. सो ऐसे ही एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग्स हो गई, फिनिशिंग्स हो गई, नैनो फाइबर्स हो गई, ये सब हमारी कुछ एक डेवलपमेंट्स का हिस्सा है.
इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा बबल डायग्राम के ऊपर कि आर्किटेक्चर्स जो होते हैं इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्चर्स, ये बबल डायग्राम क्या होता है। सो, आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, जैसे मास्टर बेडरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, गैराज है, तो हर एक चीज को इन्होंने राउंड सर्कल्स के अंदर, बबल्स के अंदर डिफाइन कर रखा है। ये एक फ्री हैंड डायमेट्रिक डायग्राम होता है, ड्राइंग होती है, कि उन्होंने डायग्राम बना दिया फ्री हैंड। और इसको हम क्यों कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, और यूज ऑफ द स्पेस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एट द प्रिलिमिनरी फेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, इनिशियल स्टेज, प्राइमरी स्टेज, सबसे पहले स्टेज के ऊपर जब हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तब हम बबल डायग्राम के द्वारा किसी को भी बता समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन था बायस फेसिंग और शेप फेसिंग में डिफरेंस क्या होता है। सो बायस, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेकलाइन है और साथ में ये आपका बायस फेसिंग है। देखिए एक और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है कि बायस क्या होता है और ट्रू बायस क्या होता है। तो ट्रू बायस तब होता है जब हमारा 45 डिग्री पे होता है, हमारा एक तो क्रॉसवाइज ग्रेन होता है, एक लेंथवाइज ग्रेन होता है। जब क्रॉस और लेंथवाइज ग्रेन में 45 डिग्री हम बिल्कुल 90 डिग्री को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, डायगनल में जाते हैं, तब वो ट्रू बायस कहलाता है, और कोई भी और हमारा डायगनल हिस्सा बायस फेसिंग कहलाता है। सो बायस फेसिंग के अंदर क्या होता है, हम रॉ एज को फिनिश करते हैं, और बायस के अंदर जो नेकलाइन है वो स्ट्रेचेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब इजी स्ट्रेच गोइंग होती है, तो आर्म होल हो गया, नेकलाइन होगी, उसको हम इससे फिनिश करते हैं। और ये रिप्लेस करता है कन्वेंशनल फेसिंग, मतलब जो हमारा शेपिंग शेप फेसिंग है उसको इसने आजकल के टाइम पे, कन्वेंशनल मीन्स जो आपका ट्रेडिशनल है, उस टाइम पे हम फेस शेप फेसिंग यूज करते थे, लेकिन आज हम हर चीज के लिए बायस फेसिंग यूज करते हैं टू मेक थिंग्स ईजियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज आर शेप फेसिंग, तो यहाँ पर नेक की शेप की हमने एक फेसिंग कट की है और उसको अपने नेक को यहाँ पर देखिए फिनिश किया है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, जिस तरह की नेक की शेप हो वैसे ही, और बायस के अंदर हमें जस्ट डायगनल कट करना है, एंड वी विल स्टिच इट, एंड यू नो अपना हमारे एजेस जो रफ एजेस हैं उसको हम फिनिश कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मोटिवेशनल थ्योरीज की। काफी सारी मोटिवेशनल थ्योरीज दी गई है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो, अलग अलग बुक्स से सर्च करते हो, तो कहीं पर 8, कहीं पर 5, कहीं पर 12, ऐसे करके मोटिवेशनल थ्योरीज दी गई हैं। हम मेन 5 थ्योरीज की बात करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो मोटिवेशनल थ्योरी में 5 हमारी है, मैश्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्ट्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, मैकलेनर्ट थ्योरी ऑफ नीड्स, व्रोम थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंसी, एंड मैक जॉर्ज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इस पे क्वेश्चन आया था हमारा इनमें से 2 थ्योरीज के ऊपर, लास्ट हमारा 2019 के अंदर भी क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम मैश्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, ये अब्राहम मैश्लो ने दी थी, और इन्होंने क्या कहा था कि पर्सन विल बी मोटिवेटेड जब उसकी नीड्स फुलफिल हो। जैसे कि एक बच्चा होता है, आप उसको क्या कहते हैं कि ये काम करो मैं चॉकलेट दूंगा, ये काम करो मैं टॉफी दूंगा, तो उसकी नीड है, वो उसकी नीड फुलफिल हुई, उसके मन की बात फुलफिल हुई, तो वो और ज्यादा मोटिवेट होके काम करना स्टार्ट कर देगा। और साथ के साथ द नीड स्टार्ट्स फ्रॉम, नीड हमेशा लोएस्ट बेसिक लेवल से अपर लेवल की तरफ चलती है। सो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पहले सेल्फ, ये आप जो डायग्राम है इसको बना सकते हैं एज इट इज, क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सो पहला है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन करते हैं किस चीज की। सो यहाँ पर क्या है, रियलाइजेशन होती है कि अपने अंदर एबिलिटीज क्या है, अपने अंदर पोटेंशियल क्या है। फिर सेल्फ एस्टीम, स्टेटस की बात करें तो स्टेटस, प्रमोशन, रिस्पेक्ट, रेज, गुड ग्रेड्स, प्राइज, इससे हम सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं बिलोंगिंगनेस और लव की। अब क्या होता है, रिलेशनशिप मेंटेन होता है फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, टीम मेंबर्स के साथ। फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर, अब हमें किस चीज़ की, एडल्ट होने के बाद सिक्योरिटी किस चीज़ की होती है, मैरिज होने के बाद या अपना फैमिली मेंटेन करने के बाद, कि एक प्लेस होना चाहिए, अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल एड्स होने चाहिए, परमानेंट कोई भी हमारे पास सोर्स होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए बेसिकली। एंड लास्ट इज साइकोलॉजिकल नीड, कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, खाना पीना रहना और सोना। तो एक एक हमारा ये क्या है, ये मैश्लो ने हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारी बचपन से लेके हमारी एल्डरली तक की सारी नीड्स के अकॉर्डिंग उसने बात की थी यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं
हर्ट्सबर्ग थ्यू फैक्टर्स थ्योरी, इन्होंने दो फैक्टर्स किस किस चीज के दिए थे, एक तो हाइजीन की बात की थी, एक मोटिवेशन की बात की थी। तो हाइजीन फैक्टर क्या कहता है, ये कहता है कि एम्प्लॉय इज नॉट डिससेटिस्फाइड, मतलब एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। और मोटिवेशनल फैक्टर ने क्या कहा था कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है और एम्प्लॉय से मोटिवेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मोटिवेशन के अंदर अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ है। और कंपनी पॉलिसी, यहाँ पर हाइजीन की बात करें तो सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, स्टेटस और सिक्योरिटी है। तो ये दो थ्योरी हर्बर्ट्स ने दी थी, तो इसको टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, ऑन हाइजीन एंड मोटिवेशन बेस्ड। नेक्स्ट थी मैकलेंट थ्योरी ऑफ नीड्स, इन्होंने थ्री मोटिवेशनल थ्योरीज दी थी, अचीवमेंट पे, एफिलिमेशन पे और पावर के ऊपर। इन्होंने क्या कहा था कि जो भी हमारी मोटिवेशनल ड्राइव्स हैं वो तीन चीजों के ऊपर बेस्ड करती हैं और इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर जेंडर और एज। मींस आपका कोई भी, आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, डजंट मैटर, ये तीन चीजें हमें लाइफ में चाहिए ही। आप बच्चे हो, बूढ़े हो, एडल्ट हो, एडोलोसेंस हो, कुछ भी हो, आपको ये तीनों चीजें चाहिए। पहली आती है हमारी अचीवमेंट, दैट इज नीड टू अकम्प्लिश और डेमोन्स्ट्रेट ऑन कॉम्पिटेंसी, मतलब कि देखो मैंने कोई भी काम को कंप्लीट किया। तो अचीवमेंट के अंदर क्या आता है कि उनको क्विक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, क्यों एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि आपने ये काम कर दिया, वेरी गुड, वेल वेल डन। सो उनको एक्नॉलेजमेंट चाहिए अचीवमेंट के अंदर। देन एफिलिमेशन का मतलब अ नीड फॉर लव, बिलोंगिंग एंड सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है सोशल गैदरिंग के अंदर एंड मे बी अनकम्फर्टेबल विद द कन्फ्लिक्ट, मीन्स उनको कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, वो एक साउंड, एक लवेबल, एक अच्छा, एक पीसफुल यू नो एनवायरनमेंट चाहते हैं। थर्ड इज, ये हर कोई चाहता है, देखो अचीवमेंट हर कोई चाहता है, ऐसे ही साउंड जो हमारा एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है कि हमने कोई काम किया, हमें अच्छा अच्छा बोले सब लोग और हम आराम से शांतिपूर्वक रहें बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ये भी चाहते हैं। एंड थर्ड इज पावर, नीड टू कंट्रोल ओन वर्क और द वर्क ऑफ अदर्स, मीन्स दैट वी एस्पायर फॉर पोजिशन विद स्टेटस, अथॉरिटी एंड टेन टू बी मोर कंसर्न अबाउट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस दैट अबाउट इफेक्टिव वर्क परफॉर्मेंस। सो वी नीड कि हमारा एक लेवल बने, हमारे पास पावर आए। जब आप हर कोई, एक छोटा बच्चा भी अगर उसको लगता है ना कि अब उसके हाथ में किसी चीज की पावर है तो वो उससे ज्यादा पावर की उम्मीद करता है, बड़ा भी ऐसे ही करता है। हम लोग जॉब के अंदर भी हमें लगता है स्टेटस बढ़ता जाए सो दैट पावर आती रहे। सो ये हमारी मैकलेंट की थ्योरी ऑफ नीड्स थी। उसके बाद हम व्रोम्स थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंसी की बात करते हैं, ये विक्टर व्रोम ने दी थी, जिन्होंने हाई प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन दो कंडीशन बताई थी कि प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और मोटिवेट भी हो। कैसे? पीपल बिलीव इट इज लाइकली दैट देयर एफर्ट्स विल लेड टू सक्सेसफुल रिजल्ट। इन्होंने क्या किया, लोग सोचते हैं कि वो अगर ज्यादा एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। और दूसरा था कि जो पीपल बिलीव करते हैं दे विल रिवार्ड फॉर देयर सक्सेस, की लोग रिवार्ड मिले, रिवार्ड किस लिए मिले, ताकि मोटिवेशन आए, और मोटिवेशन आएगा और वो ज्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आएगी। मींस जो हमारी थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंसी थी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा मैं काम कर रही हूँ तो ज्यादा, अब सपोज मेरी ज्यादा अच्छी वीडियोज हो तो मैं चाहूंगी ज्यादा लाइक्स आए, ज्यादा कमेंट्स आए, ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए, करेक्ट। और यही मेरे लिए शायद मोटिवेशन भी हो कि ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखें या पसंद करें या अच्छे कमेंट्स करें। सो हर कोई एक्सपेक्ट करता है, ऐसे ही आप लोग भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप किसी चैनल पे जाते हैं तो कि वहां पर आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग काम आए, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस आए, तभी आप उस जगह पे मोटिवेट, आप मोटिवेट होके मोटिवेशन देते भी हैं अपने कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से। सो सेम एज हमारी व्रूम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी चलती है। एंड लास्ट इज आर मैक जॉर्ज थ्योरी, एक्सेंट थ्योरी वाई, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आता है हमारा। सो ये किसने दी थी, डॉगलस मैक जॉर्ज ने दी थी, और दो थी इनकी, क्या थी, पहली थी जो थ्योरी एक्स है वो नेगेटिव है बेस्ड है और थ्योरी वाई पॉजिटिव बेस्ड है। मतलब थ्योरी एक्स क्या कहती है कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ वर्क फोर्स होल्ड दैट द वर्कर आर इनहेरिटेटिकली लेजी, सेल्फ सेंटर्ड एंड लैकिंग एम्बिशन, देयरफॉर एन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल इज स्ट्रांग टॉप डाउन कंट्रोल। थ्योरी एक्स नेगेटिव है, वो क्या सोचती है कि लोग ना
पूरा मतलब शुरुआत से ही लेजी हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, अपना ही सोचते हैं, अपने ही एम्बिशंस को पूरा करते हैं, उनको कंपनी से या किसी से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, कि बाहर तभी तो होता है ना कि टॉप जो बॉस होता है वो खड़काता है और नीचे के एम्प्लॉयज काम करना शुरू करते हैं। और ऑन द अदर हैंड वाई थ्योरी पॉजिटिव थी बहुत ही, तो उन्होंने क्या कहा कि हर कोई इंसान शुरुआत से इनहेरिटेंस मोटिवेटेड होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म करता है। और इनका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल भी कैसा होता था कि प्रोडक्टिविटी आए, हम रिवॉर्ड और रीइन्फोर्समेंट करते रहेंगे। रीइन्फोर्समेंट पता है ना आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव दो रीइन्फोर्समेंट होती है ना, पनिशमेंट रिवॉर्ड रीइन्फोर्समेंट। तो थ्योरी वाई क्या बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चीज बोलती थी कि नहीं, हम रिवॉर्ड करेंगे तो लोग और अच्छे से काम करेंगे। सो ये हमारा मैक जॉर्ज की दो थ्योरीज थी। सो होपफुली कुछ एक क्वेश्चंस हमने उठा के लेके आए थे, और जिसमें क्वेरी भी आपको हो सकती है। मल्टी टास्किंग थे सारे के सारे क्वेश्चन, मल्टी यूनिट्स के साथ थे हमारे। और भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आपको क्वेरीज हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप इस तरह से एक बंच ऑफ दे दीजिए, उसमें से हम कुछ एक क्वेश्चन उठा के आपको कंप्लीट समझा देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पर इस सब चीज़ों के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।